और मैं एक मैसेज सबको देना चाहता हूं, तबलीग जमात के तथा अन्य लोग जो देश विदेश से या बाहर से लौट के आए हैं, कि आज शाम 5 बजे तक सब इसको डिस्क्लोज करिए। और अगर आप निजामुद्दीन से लौटे हैं, अभी वक्त है डिस्क्लोज करने का, और तुरंत हम क्वारंटाइन में रखेंगे। और इसका जिम्मेदारी जो आमिर है, जो तबलीग जमात के हर एक जिले में लगे हैं, उनका भी जिम्मेदारी है। अगर इसके बाद हमें पता चलता है कि आप लोगों ने बातें छिपाई है, और जिस कारण से हमें कारण से ये जो कोरोना वायरस कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो रहा है, तो हम जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आईपीसी के धाराओं के अलावा आपके ऊपर इवन आईपीसी के 307 अटेम्प्ट टू मर्डर केस भी डाल देंगे। और अगर किसी का डेथ हो जाता है आपका नेग्लिजेंस की वजह से, डेलिबरेट हाइडिंग की वजह से, तो हम 302 का मर्डर केस का भी आपके ऊपर ट्रायल शुरू कराएंगे। ये मेरा अल्टीमेट वार्निंग है। जो हम वार्निंग देते हैं उसको लागू करते हैं। इसलिए आमिर जो है, इनकी भी दायित्व रहेगा और केस इनके ऊपर भी बनेगा।